दिनभर घर के काम में लगी हुई महिलाओं को एकत्रित कर महिलाओं की किटी पार्टी ग्रुप ने तीज महोत्सव मनाया। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर व्यस्तता और दिनभर के काम की आपाधापी में व्यस्त रहने से धीरे धीरे लुप्त हो रहे तीज त्योहारों के उत्सवों के उल्लास को फिर से संजोने के लिए महावीर चौक की संगीता गुप्ता और डॉली गुप्ता ने एक सराहनीय कदम उठाया। तीज के त्योहार को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए शहर की कई महिलाओं को एकत्रित किया। महिलाओं ने शहर के सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट में डांस प्रोग्राम के साथ कई कार्यक्रम आयोजित कर एक दूसरे को बधाई दी। दोपहर बाद एक जगह एकत्रित हुई इन महिलाओं ने अपने सुख दुख की बातें की। इस मौके पर इन्हें घर के काम से थोड़ा सा आराम करते हुए पुराने समय की तरह मनाए जाने वाले त्योहार के रूप में इसका आनंद लिया। प्रोग्राम आयोजित करवाने के पीछे उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि आज जहां सोशल मीडिया और पैसा कमाने की होड़ में हर कोई त्योहारों से मुंह मोड़ता जा रहा है और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उसको पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने यह एक छोटा सा प्रयास किया है। वहीं डॉली गुप्ता ने कहा कि पहले जब संयुक्त परिवार में रहते थे तो तीज के मौके पर महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर मंगल गीत गाती थी, लेकिन आज ये सब लुप्त होता जा रहा है। तो उन्होंने उस संस्कृति व उस विचारधारा को वापस पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया है। कार्यक्रम में महिलाओं के डांस कंपटीशन के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए और एक साथ में भोजन की व्यवस्था भी सबके लिए की गई। संगीता गुप्ता ने बताया कि उन्होंने सिर्फ प्रयास किया था, लेकिन आसपास की महिलाओं का उत्साह देखकर उन्होंने इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने का फैसला लिया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में संगीता गुप्ता, डॉली गुप्ता, बबीता गुप्ता, कुमकुम गुप्ता, काजल रंजन, प्रियंका गुप्ता, मुन्नी गुप्ता, पार्वती गुप्ता, रानी केशरी, ममता गुप्ता, अर्पिता गुप्ता, गुड़िया गुप्ता, रूबी गुप्ता समेत कई महिलाओं का सराहनीय सहयोग रहा। आइए बताइए, किस तरह से आप लोगों ने एंजॉय किया है और तीज को लेकर क्या कहेंगे? हम लोगों ने सब मिलकर खूब अच्छे से एंजॉय किया, सब मिलकर नाच गाना डांस किए हैं हम लोग तीज के शुभ अवसर पर। ये सुहागनों का व्रत है जो अपने पति के लंबी उम्र के लिए किया जाता है, सभी सुहागने मिलकर करती हैं और ये पूजक के लिए परिवार में एक सब सुख समृद्धि, पति के लंबी आयु और उनके सुख शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये मनाया जाता है। क्या सुनना हुआ आपका? डॉली गुप्ता। सब हम लोग पूरा मस्ती किए, हम लोग को बहुत इंजॉय किए, लेकिन अभी तीज आने वाली है जो हम लोग का सुहागन के लिए बहुत बड़ा पर्व है। हम लोग सुहागन लोग अपने पति के लंबी आयु के लिए तीज करते हैं, वो बहुत बड़ा है। एक समाज के लिए भी सब सुहागन, जितनी सुहागन है सब व्रत करती है, शंकर पार्वती जी का पूजा होता है। इसमें हम लोग सब फ्रेंड मिलकर आज प्री वेडिंग तीज का हम लोग खूब मस्ती किए। फिर उस दिन तो हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, निराजगार रहते, बिना पानी का रहते हैं। क्या महत्व है इस तीज का? ये पति का लंबी आयु के लिए हम लोग व्रत करते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? संगीता। संगीता। और क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या कह रहे हैं? तीज के लेकर हम लोग बहुत सुबह से ही एंजॉय कर रहे हैं, पूरा ग्रुप बना लिया अपना यहाँ आकर। उस दिन में आने वाली है तीज, इसके लिए हम लोग सोचे कि इनमें अभी फ्रेंड में उन्हें हम लोग एंजॉय कर ले। ये व्रत पति के लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। इस दिन एक दिन पहले से हम लोग निर्जला मतलब फास्टिंग रहते हैं, फिर दूसरे दिन व्रत करके अपना सुबह से लेकर रात तक निर्जला व्रत रहते हैं, तीसरे दिन फिर अपना हम लोग व्रत तोड़ते हैं। कितने दिन का ये व्रत? 3 दिन का रहता है, नहाए खाए रहता है, व्रत रहता है, फिर तीसरे दिन पारण रहता है, करते हैं। क्या महत्व रहता है इस तीज को? इस तीज का तो हम लोग खासतौर पति के लिए लंबी आयु के लिए स्वागत, अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, उसी के हाथ से जल पीकर अपना व्रत तोड़ती है, पति के हाथ से जल पीकर अपना व्रत तोड़ती है। क्या नाम है? काजल रंजन।